ये है श्रीनी। श्रीनी हैदराबाद से है, जिसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर अपने बरसों पुराना ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आप जानना चाहेंगे वो ख्वाब क्या है? वो ख्वाब है परदेश जाना। हेलो, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो भाई? गुड न्यूज था, मेरे को एस्टर से मिल गए भैया। अच्छा, सुपर बेटा। मैं आपसे बस चेक करना था, और इस महीने 20th को मैं दुबई आ जाऊंगा। ओह, हैप्पी टू हियर बेटा, मोस्ट वेलकम। बाय, आपके पास कुछ रेफरेंस होगा जहां मैं अपने 1 month के स्टे में जॉब वगैरह की हेल्प ले लूंगा? इस 20th को फ्राइडे है और यहाँ हॉलीडे आई, तो अच्छा है, तुम आ जाओ, मैं कोशिश करके तुम्हारे स्टे को बंदोबस्त करता हूँ। हाँ ठीक है भाई। हाँ भैया, शुक्रिया भाई। पांच साल और आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ, पता नहीं श्रीनी क्या सोचेगा। मैंने उसको अपने साथ नहीं रख लिया और फैजल भाई के रूम पे भिजा दिया। पापा के पास जाऊँ मैडम? मम्मा का फोन दो। वो सिर्फ 2 दिन में समझाएगा जी, लेकिन भले है कि हम फैमिली के साथ रहते हैं, हम दोनों काम करके घर चलाते हैं, आप परेशान मत हो, वो सब समझेगा। कितनी मुश्किल से जिंदगी जी रही है, एक बार फजल भाई को कॉल कर लो। हेलो। हेलो स्वरूप सेठ, कैसे हो? टीको साहिब, एक छोटा काम था। हुकुम कर दे मेरे भाई। फजल भाई, मेरा छोटा भाई इस फ्राइडे आ रहा है, अगर उसके विजिट पे आपके रूम पे कुछ जगह मिल जाती तो बढ़िया था। पूछना किस लिए था, बस हुकुम कर देते। I will take care. ठीक है भाई, खुदा हाफिज़। अच्छा, थैंक यू सो मच भाई। तुम फिकर मत करो। ओके भाई, खुदा हाफिज़। कौन है? मेरा नाम श्रीनू है, स्वरूप का छोटा भाई, फजल भाई से मिलना है। अच्छा, फजल भाई से मिलना है। अरे आ जाओ भाई, आपकी इंतजार है। आ जाओ अंदर, आ जाओ। नमस्ते भाई, मैं फजल, हैदराबाद से। नमस्ते भाई। ओए अस्सी रणवीर सिंह, दिल्ली दा पुत्तर, पंजाब दा बंदा, मैं करता हूँ फैशन डिजाइनिंग और 3 साल से रॉकिंग। हेलो, हाय। हाय, मैं काजा, हैदराबाद से। हाय। हाय, मेरा नाम जॉर्ज है, मैं कर्नाटक से हूँ। हाय। माझ नाव रोहित, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा नाम रोहित है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी मानुस। हाय, मैं इरफान, मैं हैदराबाद से अकाउंटेंट हूँ भाई। अच्छा, बैग वहाँ पे रख दो भाई। हाँ भाई यार। रणवीर तू आजा। थैंक यू। भाई ये हो क्या रहा है, आप लोग फोन पे इतने बिजी है? ये परदेश है, हम तो बस ये दुआ करते हैं अल्लाह सब दे मगर परदेश ना दे। आप ये सबके पीछे मत पड़ो, आप जाइए, तैयार हो के आइए। अच्छा ठीक है, जाइए। क्या ये लोग ऐसे सो गए, ये भी नहीं निकला। अरे मैं कहाँ सो जाऊं यार, मुझे को कुछ समझ नहीं आ रहा। Mm-hmm.
आखिर इतने जल्दी उठना जरूरी था? कहते हैं परदेश सुकून नहीं देता, सुकून ले लेता। हाँ, यहाँ पे हमारा घड़ी 2 घंटे पहले चलती है भाई। आप लोग फिर कब आओगे? इसका मतलब एक काम करो, बाहर जाके कुछ नाश्ता कर लो। अरे ये क्या भैया, बड़ा भाई हूँ, सवाल मत करना। आप नाश्ता कर लिया? हम तो कभी कभी नाश्ता कर लेते। और कहा जा भाई, तो पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही बार नाश्ता किया था, और वो भी इसका परदेश में पहला दिन। और आज तक वो सिर्फ लंच ही करता डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है। ठीक है भाई। ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है भाई, मैं वेट करूंगा। आते वक्त हनी को स्कूल से लेके आ तुम, और रास्ते में ग्रोसरीज भी लेने का है। 3 दिन में सैलरी आ जाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। इस वीकेंड में ग्रॉसरीज लाऊंगा। पर बच्ची को पैम्पर्स और मिल्क पाउडर भी हो गया। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ओ, पहले वो पैम्पर्स और मिल्क पाउडर अरेंज करूंगा, उसके बाद ग्रॉसरीज लाऊंगा। ओके। आजा आनी बेटा। भैया आप आ गया, कैसे हो भैया? बहुत थक गया हूँ यार। ओपा जी हैवसम ओके। ए, पहले रोहित बाद में जॉर्ज, छोटे बच्चे की तरह लड़ते रहते कभी भी। क्या हुआ काजा, बहुत परेशान लग रहे हो। मेरा काफिल ने मुझे बहुत परेशान कर रहा भाई। पिछले हफ्ते 18 घंटा काम किया मैंने हर दिन, और आज मुझे काफिल ने कहा इस हफ्ते भी 18 घंटा काम करना होगा। अच्छा, और वो टाइम का पैसा भी नहीं देता भाई। क्या मैं अपनी जॉब चेंज कर लूं? हम हिंदुस्तानी है कितने? क्या बोलो? 100 करोड़। 100 करोड़ को क्या कहते? बोलो। 1 अरब। तो मेरी 1 अरब 100 करोड़ में भारी है। नौकरी आज की दौर पे बहुत बड़ा जरूरत है। वीजा फॉर्मेलिटीज में काफी ज्यादा बदलाव हुई है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे बात मानो, बहन की शादी भी है, जो दिया गया वो किया कर लो।
ठीक है भाई। जो उम्मीद तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर रखा गया उसको मत तोड़। जो भी हो इसकी पूरी करो, चाहो जो भी हो जाए उसकी निभा करो। ठीक है भाई, अब जैसा बोलोगे वैसा करूँगा। अरे तुम क्यों इतने फिक्र में डूबे हो? तुम्हारे साथ हम सब हैं। अल्लाह उसी की मदद करता है जो अपने खुद का मदद करता है। तुम भी आगे बढ़ो। आखिर भाई तुम इतना एडजस्ट कैसे कर सकते हो? परदेस सब सिखा देती है। आज मेरी सैलरी है और भाभी की भी। सब रेंट, ग्रॉसरी, ट्रैवलिंग कॉस्ट और इंडिया पैसे भेजाने के बाद सिर्फ हर महीने मेरे पास 500 दिरहम की सेविंग होती है। आप 5 साल से यह तकलीफ होता रहा है और मैं और घर वालों समझते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह सेटल हो गए। आप मेरे को समझ गए, यह कोई सेटल नहीं होता, सब संघर्ष है। कभी मजबूरी और कभी ज़रूरत इंसान को झिंझोड़ देती है। मैंने या बाबी ने या कहानी, हम सब वही कपड़े पहन के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जो हम अपने वतन से लाए थे। यह कुछ शॉपिंग नहीं करते जिससे बाद में तकलीफ हमें ही उतारनी पड़े। क्या भैया, ये तो टू मच है। हाँ, कुछ लोग बहुत ही अच्छे नौकरी और सैलरी पर है, मगर ज़्यादातर लोग अपने पेट को काट काट कर इंडिया पैसे बेचते हैं। हाँ, तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ? हाँ, कुछ इंटरव्यू दिया मैंने, देखना ही पड़ेगा क्या होता है। इंटरव्यू चाहता हो इंजीनियर का, पता चलता ही पोजीशन फील्ड, अप्लाई फॉर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जॉब, वहाँ से निकल जाता है। बी केयरफुल श्रीनी, जॉब अच्छी चुन लेना। काजा भाई को जानता है ना? हाँ भैया। काजा इज ए रैंक होल्डर इन हिज कॉलेज एंड ए सिविल इंजीनियर, लेकिन घर के मुश्किल के लिए उस वक्त जॉब्स नहीं दे तो वो प्लम्बर की जॉब पे लगाए। सैलरी डबल कमाने के लिए डबल काम करते हैं, लेकिन घर को सबको बोलते हैं वो इंजीनियर है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं तो घर वालों को परेशान हो। आप लोग किस मिट्टी से बना हो यार? आप अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी देके हमारे चेहरों पे मुस्कान के लिए इतना दूर निकल जा रहे हैं कि कोई नहीं सोच सकता। जो दिखता है वो होता नहीं है। खैर मेहनत खा नियमत, हासिल वही करेगा जो हर चीज़ में 100% देगा, ना कि 99% अपना आपको संभाल लो और आगे बढ़ो। हेलो। हाँ भैया जी, मेरे को जॉब मिल गए और 2 सर्टिफिकेट लेने के लिए मेरे को इंडिया जाना पड़ेगा भैया। हाँ भैया, हाँ मैं जल्दी वापस आऊँगा भैया। हाँ हनी बेटा, मैं वापस आऊँगा बेटा, आपके करीब रहूँगा। ठीक है भाई। पापे, हाँ इतना मेरे मुंडिया नु कुरियर करवा दे। ठीक है भैया, रब खैर करे। रश्रीनी भाई, ये मेरा छोटे भाई के लिए बुक्स है, थोड़ा भिजवा देते भाई। टेक केयर श्रीनी। जी भैया। ठीक है भाई, मैं भेजा दूंगा।
श्रीनी भाई, हाँ ये जरा गिफ्ट मेरे भाई को दे दो। हाँ भैया कंपलसरी। चलो सेफ जर्नी। हाँ थैंक्स। श्रीनू हाँ ये मेडिसिन है। मेरे माँ को तबीयत ठीक नहीं है। इसमें एड्रेस आका है, इसको भिजवा देना। ठीक है भाई। और आपकी ख्याल रखना। सीनू भाई, ये भाई के कपड़ा है, मेरे घर में दे दो। कंपलसरी भाई। टेक केयर। हाँ भी टेक केयर भैया। वाह, अपने वतन में एक नहीं हो पा रहा है और आज परदेसी में कुछ हासिल किया हो या नहीं, लेकिन हम सब एक हैं। अरे भाई तू फिर से आ गया। हेलो भाई। भाई इस बार भी विजिटर वीजा है क्या? नहीं, इस बार मैं भी परदेसी हूँ। एक सवाल आपसे। आज तक हमने हम में से कईयों को परदेस जाते देखा है, उसमें से अपने भाई, बेटे, बेटी, पति, बहन, पापा, चाचा, मामा, दोस्त और कितने रिश्ते। हमने हर वक्त अपनी मंशाएं और ख्वाहिशें उनके सामने जिक्र किए और उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो क्या तकलीफ लेते हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए? क्या आप जानते हैं कि वो कितने वक्त का खाना खाते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कब सोते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो कितना काम करते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो आपके बगैर कितने अकेले हैं? सवाल आपसे, जवाब हमें नहीं, बल्कि आप अपने प्यारे भाई, बहन, बेटे, बेटियां, पति, पापा, मामा, चाचा और दोस्त को दीजिए अपनी मोहब्बत जाहिर करके और उन्हें बताइए कि वो हमारे ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। अगली वीडियो के लिए ज़रूर हमसे जुड़िए। टैगकोर स्टूडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। डाउनलोड आवर टैगकोर एक्सप्लोर ऐप, क्रिएट योर फ्री वेबसाइट, डू योर बिजनेस ऑनलाइन एंड टेक योर बिजनेस लोकल टू ग्लोबल। पोस्ट अनलिमिटेड फ्री जॉब्स एंड सर्च अनलिमिटेड रिज्यूम्स ऑन टैगकोर प्रो। डाउनलोड आवर टैगकोर प्रो ऐप नाउ। टैगकोर इज अ इंटीग्रेटेड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यू टू नेविगेट एंड गेट कनेक्टेड विद ऑथेंटिक पीपल्स एंड कंपनीज। सो प्लीज डाउनलोड आवर ऐप, डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।